नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहारियों के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत में अगर बिहारी नहीं होते तो किस तरह की स्थिति होती पूरे देश को लेकर, और बिहारियों की क्या स्थिति होती। बिहारियों को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जाते हैं जिसमें बिहारी लोगों को रहन सहन, उनके खान पान से जुड़े हुए वीडियो आपको सोशल मीडिया पर खूब मिल जाएंगे। बिहार की बोली भाषा को लेकर भोजपुरी गाने तक में लोग मीम्स बनाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। जब बात बिहारियों की हो ही रही है तो उनके कठिन परिश्रम का लोहा हर कोई मानता है, चाहे वह पढ़ाई में हो या फिर किसी अन्य कार्य में। इनकी अपनी एक अलग ही धाक होती है। ज़रा सोचिए उनके बारे में जो अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। और आप बाद में कहते हैं कि बिहारी बेवकूफ़ होते हैं। तो चलिए, अब यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं बिहारियों के द्वारा किए गए कारनामों के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे उन विभूतियों के बारे में जिनके कार्य की सराहना पूरा विश्व करता है। सबसे पहले बात डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की ख्याति भारत ही नहीं पूरे विश्व में थी। कहते हैं जब अपोलो लॉन्च हो रहा था उस समय कंप्यूटर बंद हो गया, लेकिन वशिष्ठ बाबू अपना गणित जारी रखे। जब कंप्यूटर खुला तो दोनों एक ही जगह यानी कि एक ही स्थिति पे समान थे। वैज्ञानिक यह देख कर हैरान रह गए। कहा जाता है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत को भी इन्होंने चुनौती दी थी। अगला नाम है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के समय भारतीय साम्राज्य सबसे बड़ा था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कहा जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का कब्जा था। मौर्य साम्राज्य में उत्तर में हिंदू काशी की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण मैसूर कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अफगानिस्तान तक भारत का कब्जा था, यानी कि वह भारत हुआ करता था। और एक तुम हो कि बिहारों को ओछली गालियों से बुलाते हो। सुश्रुत, जिन्हें सर्जनी का पितामह कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुश्रुत ने 300 से अधिक प्रकार के ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की, यानी कि सर्जरी की खोज की। कहा जाता है कि सुश्रुत को कॉस्मेटिक सर्जरी में निपुणता हासिल थी। कहा तो ये भी जाता है कि सुश्रुत ने सबसे पहले आँख का ऑपरेशन किया था। अगला नाम है आर्यभट्ट का। जब देश में महान गणितज्ञ की गिनती होती है तो उसमें पहला नाम आर्यभट्ट का लिया जाता है। वो एक ज्योतिषी के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, सूर्य और चंद्रमा होता है। अगला नाम है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध का भी जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन इसी बिहार में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसमें मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। बिहार में रहते हुए भगवान बुद्ध ने पूरे विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वात्स्यायन, महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले किताबों की लिस्ट में इस वात्स्यायन का नाम है। बिहार के बारे में अगर आज कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें हमारे राजनेताओं की गंदी राजनीति है, नहीं तो आज भी किसी का मुंह बिहार की बुराई में नहीं खुलता। अगर हम देश में प्रशासनिक सेवा की बात कर ले तो IAS IPS की लिस्ट में आज भी बिहारी बेटा और बेटी का नाम पहली पंक्ति में और बड़े फक्र के साथ लिया जाता है। हम युवाओं के लिए आज भी गर्व करने वाला दिन है, और हो भी क्यों नहीं। हमारे बिहार से ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में राजेंद्र प्रसाद की महती भूमिका रही। बिहार में जब 1934 में भूकंप आया था तब राजेंद्र बाबू जेल में थे। जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए सबसे पहले निकल कर आगे आए। प्रशासन की ही बात करेंगे तो चाणक्य का नाम बड़े ही आदर के साथ पूरे देश पूरे विश्व में लिया जाता है। चाणक्य की कूटनीति और उनकी राजनीति के बारे में कौन नहीं जानता। वह अपने कुशल नेतृत्व के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के ही धरती पर हुआ था। देश की आज़ादी में इनकी महती भूमिका रही, और गुरु गोविंद सिंह ने एक तरह से कह लें कि सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जाने गए, और देश की आज़ादी में इन्होंने एक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया।
बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां को कौन नहीं जानता। अपनी शहनाई की धुन पर पूरे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश को और साथ साथ वाराणसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो ऐसे बिहारियों की लिस्ट में और भी कई नाम हैं जो कि देश और विदेश में अपना डंका बजा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर कहले की राजनेता हैं जो अपनी रोटियों को सेकने के लिए बिहारियों को ओछीली गालियां देते हैं या फिर कहले कि उन्हें अपशब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम तो बिहारी हो, लेकिन उन्हें उसके अतीत के बारे में नहीं पता कि इनका अतीत कितना मजबूत रहा है, जो कि कभी पाटलिपुत्र की राजधानी हुआ करती थी और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान तो फिर एक तरह से हिंदू कुश हुआ करता था। आज इन्हीं बिहारियों का जिक्र पूरा देश कर रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।